हेलो फ्रेंड्स, तो थर्ड पेपर का मॉडल पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। और सेकंड पेपर आपका कैसा हुआ, उम्मीद करता हूँ अच्छा ही हुआ होगा, है ना। और देखिए, क्वेश्चन पेपर मिले ना मिले उसकी बात अलग है। आपको जो क्वेश्चन याद हैं, है ना, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमें जो है व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम थर्ड पेपर को लेकर उसका मॉडल पेपर जो कि आपका होने वाला है ना, उसके लिए तैयारी आप लोग जारी रखें। और इससे पहले भी थर्ड पेपर के कई सारे वीडियो बना रखे हैं हमने, और उसके प्लेलिस्ट की लिंक भी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर अभी तक जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर हम टॉप 100 अपने अकॉर्डिंग हमने रखे हैं, और पिछले वीडियो में जो है दो तीन गलतियाँ मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी, है ना। तो यहाँ पर पूरी कोशिश की है हमने जो है कि गलतियों से बचें। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर देखेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे ही आपको ऐसे ही हर वीडियो मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन है, नेतृत्व शब्द किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण होता है नेतृत्व। अब इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लीडरशिप का हिंदी शब्द मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है, तो आपको तैयार रहना है। फिर है, किम्बल यंग ने नेतृत्व को कितने भागों में बांटा है। तो नेतृत्व को इन्होंने 7 भागों में बांटा है। मोटे तौर पर नेतृत्व के वर्ग कितने हैं। मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो 2 तरीके के नेतृत्व होते हैं, और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, प्रजातांत्रिक और राजतांत्रिक नेतृत्व। ये 2 प्रकार हैं मोटे तौर पर, ठीक है, मुख्य जिनकी बात करेंगे, सामान्यतः जो कहे जाते हैं। तो उसके अंदर से क्वेश्चन बनेंगे, प्रजातांत्रिक राजतांत्रिक, है ना, इनमें क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो कैसे भी नॉर्मल लाइफ से जोड़कर क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। फिर नेतृत्व के विभिन्न सिद्धांत, तो नेतृत्व के सिद्धांत आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर हमने नहीं दिया क्योंकि इनको लिखने में काफ़ी टाइम लगता। आप जो है इनके सिद्धांत एक बार ज़रूर देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन एक बनेगा ही बनेगा, ठीक। 4 ऑप्शन मिलेंगे, नहीं के रूप में बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सफल नेतृत्व के तत्व। तो सफल नेतृत्व के तत्व जो हैं क्या हैं, 4 हैं सफल नेतृत्व के तत्व, ठीक। नेता, अनुयायी, संगठन और सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति, ये इसके 4 तत्व हैं सफल नेतृत्व के। नंबर 6 क्वेश्चन है, संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सम्मतियों तथा भावनाओं का विनिमय है, यह कथन किसका है। तो यह परिभाषा दी है न्यूमैन एवं समर ने। नेक्स्ट है, संप्रेषण के घटक। तो संप्रेषण के घटक आपको याद रखने हैं, संप्रेषण का लक्ष्य क्या है, मतलब इसमें क्या क्या घटक होते हैं। लक्ष्य होना चाहिए, संप्रेषक होना चाहिए जो मैसेज देता है ना, और संप्रेषण संदेश को प्राप्त करने वाला होना चाहिए ना, और विषय वस्तु क्या है ये भी होना जरूरी है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी एक अगर आप संप्रेषण कर रहे हैं, ठीक। तो ये संदेश का माध्यम होना चाहिए, किस चीज़ से आप संदेश भेज रहे हैं, भाषा होनी चाहिए। भाई अगर आप संदेश भेजेंगे कोई ना कोई लैंग्वेज तो चूज करेंगे ना, हिंदी इंग्लिश जो भी है ना, तो ये तो आप समझ रहे होंगे संप्रेषण, और संप्रेषण इम्पॉर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय का मुख्य नेता। तो विद्यालय का मुख्य नेता किसे कहा जाता है, प्रधानाचार्य। देखिए कक्षा कक्ष की बात अगर करें तो होगा आपका अध्यापक, लेकिन विद्यालय की बात करें तो प्रधानाचार्य। फिर है नेक्स्ट, किस प्रकार के नेतृत्व में निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, मतलब सबकी सहमति से निर्णय किस में लिए जाते हैं, कौन सा नेतृत्व है, वो प्रजातांत्रिक नेतृत्व है। क्वेश्चन को कैसे भी घुमाया जा सकता है। फिर है, संप्रेषण प्रक्रिया है। तो संप्रेषण कैसी द्विमार्गी प्रक्रिया है, एक पृष्ठपोषण और एक अंतःक्रिया के द्वारा जो है संप्रेषण होता है, मतलब ये इसके 2 मार्ग हैं, ठीक। जैसे 2 लोगों में संप्रेषण हो रहा है तो इंटरेक्शन होगा आपस में, और सामने वाला फीडबैक देगा, तभी तो संप्रेषण होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण की प्रक्रियाएं। अगर मतलब कक्षा में बात करें तो संप्रेषण की क्या, पढ़ना होता है, लिखना, बोलना, सुनना, ये सब प्रक्रियाएं होती हैं कक्षा के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन सी सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है।
तो सबसे अधिक प्रभावशाली सामग्री होती है दृश्य श्रव्य सामग्री। इसके एग्जाम्पल आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखने हैं, कोई भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है ये सब हमने ऑलरेडी बता दिया है पहले ही, अब यहाँ पर हम आपको केवल और केवल रिवीजन करवा रहे हैं और 100 टॉप क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं ना, तो यहाँ पर अदर चीज़ें की बात हम नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। दृश्य श्रव्य मतलब जिसमें कुछ चीज़ों को देख भी सकें और सुन भी सकें, कॉमन सेंस लगाइए। नेक्स्ट है प्रशासन का अर्थ मतलब सेवा करना, ठीक। सीधे तो शब्दों में अगर हम कहें तो किसी संस्था के अनुसार ये हो सकता है ना, क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है प्रशासन के अर्थ के रूप में, ठीक। तो किसी संस्था से रिलेटेड ही ये हो सकता है, और सेवा करना मतलब उसके अंतर्गत रहकर, है ना, किसी भी चीज़ में ये चीज़ होता है। फिर है केंद्रीयकरण। केंद्रीकरण का एक केंद्रीकरण होता है, एक विकेंद्रीकरण होता है। तो केंद्रीकरण का आशय क्या है, सत्ता शीर्ष अथवा उसके आसपास एकत्र होना, ठीक। जब सत्ता लगभग एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है, शीर्ष पर होती है, उसे केंद्रीकरण कहते हैं, और जब एक हाथ में ना होकर कई हाथों में रहती है सत्ता, तो उसे विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। सिंपल शब्दों में हमने बता दिया। फिर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन या निर्माण, है ना, कब हुआ था, तो 26 सितंबर 1985 ईस्वी में हुआ था। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब बदल गया है, किसमें, शिक्षा मंत्रालय में, अब 2020 की शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, ठीक। तो फिलहाल अभी आपको ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल का मैदान की व्यवस्था किस प्रशासन द्वारा होती है, बाह्य प्रशासन द्वारा। एक आंतरिक प्रशासन होता है ना, तो अगर हम शैक्षिक दृष्टिकोण में देखें, एक बाह्य, तो खेल का मैदान है, पुस्तकालय है ना, और प्रयोगशालाएं हैं, ये सब किसके द्वारा, बाह्य प्रशासन के द्वारा इनका जो है किया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय विद्यालयों का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय विद्यालयों का जो संचालन है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किया जाता है, KVS जिसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है NCERT की स्थापना कब हुई थी, 1961 में, इम्पॉर्टेंट है। नई शिक्षा नीति 1986 की आपके सिलेबस में है, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, और इसके कुछ मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आप एक नज़र इनको डालेंगे, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अगर केंद्रीय हिंदी संस्थान, देखिए लगभग सारे संस्थान की बात करें तो लगभग दिल्ली में ही हैं 90% जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, लेकिन कुछ हैं जो दिल्ली से अलग हैं, जैसे यहाँ पर केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है वो कहाँ है, आगरा में है, तो ये याद रखिएगा, आगरा में है केंद्रीय हिंदी, क्योंकि ये ओड हो जाता है सबसे, बाकी सारे लगभग दिल्ली में ही आपके हैं जितने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। फिर है 22 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1952 में हुई थी। फिर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, तो कौन है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा से, पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन हमने लिया था, ठीक है। 45 आर्टिकल जो है प्राथमिक शिक्षा, जो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, उससे संबंधित है, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF कब तैयार हुआ, तो कब तैयार हुआ था, 2005 में तैयार हुआ था। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, देखिए यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति 1986 थी उसके द्वारा, ठीक, क्योंकि वो पूरी तरीके से जब लागू होने की बात आती है तो 87-88 की हम बात करते हैं, ठीक, इसलिए यहाँ पर अगर ब्लैक बोर्ड इसके शुरुआत की बात हो रही है ना, तो शुरुआत ये आपका 87-88 बनेगा। ऑप्शन में देखिए इतना नज़दीकी चीज़ें नहीं आएंगी, अगर 87 देगा तो आपको दूसरा 90 दिया जा सकता है, एक 84 दिया जा सकता है, इतना गैप तो होगा ही होगा, तो नहीं 87 है तो 88 करिए, 88 नहीं तो 87 करिए, ठीक है। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2001 में शुरू हुआ था, है ना। फिर है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य, यहाँ क्या था, ये उद्देश्य याद रखना है, इसका क्या उद्देश्य था, क्यों इसे चलाया गया था, तो 2010 तक जो है ना, 2010 तक क्या, 6 से 14, देखिए जब 2001 में स्टार्ट हुआ तो उस वक्त कहा गया कि 2010 तक जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं ना, तो उनकी प्राथमिक शिक्षा सबको उपलब्ध कराने का टारगेट इसका था, कि प्राथमिक शिक्षा 10 सालों में सारे बच्चों को प्राप्त हो। फिर है 28 नंबर शिक्षा का अधिकार, जो राइट टू एजुकेशन जिसे बोलते हैं, 2009 में आया, पूरी तरीके से अगर लागू होने की बात करेंगे हम तो 2010 में यह पूरी तरीके से लागू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला,
अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार बताने हैं। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण के जो प्रकार हैं, आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण, रचनात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण, वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण, संकेतात्मक और नेतृत्व शिक्षा परीक्षण पर्यवेक्षण। ठीक है, तो इसको इस टॉपिक को भी देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे शैक्षिक पर्यवेक्षण। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्टिव बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक, तो यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग हमने जो है रखा है, ठीक, ऑप्शनल ना बना के वन लाइनर या ऐसे बना दिया कि आंसर वन वर्ड में आपका रहेगा। ऑप्शन जैसे आ सकते हैं, देखिए जो प्रकार होते हैं, सिद्धांत तो होते हैं, विशेषताएँ, इन सब के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि नहीं के रूप में क्वेश्चन हो सकते हैं ना। तो नेतृत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तो नेतृत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आगे आगे चलना। नेक्स्ट है, फॉलेट द्वारा बताए गए नेतृत्व कितने हैं, तीन हैं, व्यक्ति जनित नेतृत्व, पद जनित नेतृत्व और प्रतिभा जनित नेतृत्व। अब तीनों नेतृत्व के अलावा एक ऑप्शन आपको अलग से मिलेगा और पूछेगा फॉलेट द्वारा बताए गए नेतृत्व का प्रकार नहीं है, तो वो आपको चूज करना होगा। फिर है कम्युनिकेशन, लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो कम्युनिकेशन कम्युनिस शब्द से बना है। या पूछा जा सकता है कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है ना, किस भाषा से हुई, तो भी आपको लैटिन चुनना है। फिर है संप्रेषण में कम से कम कितने व्यक्ति शामिल होने चाहिए, तो कितने, दो। ठीक है, एक सेंडर मतलब जो मैसेज भेजेगा और एक रिसीवर। फिर है संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है, तो अंतिम चरण प्रतिपुष्टि, और संचार प्रक्रिया के सारे चरण पूछे जा सकते हैं। तीन ऑप्शन में देगा, एक अलग से दे देगा, कह देगा कौन सा संचार प्रक्रिया का चरण नहीं है, है ना। तो प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देना, भाई मान लीजिए आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है ना, मैसेज भेजा उसको, अब उसने देखा, जब वो रिप्लाई करेगा तो उसी को कहते हैं प्रतिपुष्टि करना या फीडबैक देना, मतलब उसने आपके क्वेश्चन का कुछ जवाब दिया। ठीक, वो है। अगला है, त्रिकोणीय प्रशासन संकल्पना के अंतर्गत आते हैं, तो कौन कौन आते हैं त्रिकोणीय प्रशासन संकल्पना, व्यक्ति आते हैं, कार्य और सामाजिक स्थिति। नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भाग पाँच हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और फिलहाल ये प्रेजेंट टाइम में मंत्रालय नहीं है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली है ना। केंद्रीय हिंदी संस्थान की बात करें तो वो कहाँ पर है, वो आगरा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 38 किस वर्ष के पूर्व तक शिक्षा का दायित्व पूर्णतः राज्यों का विषय था, तो 1976 ईस्वी के पूर्व, या फिर कह सकता है क्वेश्चन किस वर्ष जो है शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया, तो 1976 तब भी बनेगा। इससे पहले शिक्षा किसका विषय थी, राज्य सूची का विषय थी, मतलब शिक्षा में जो भी निर्णय लेने होते थे वो राज्य सरकार ही करती थी, नए कानून बनाना, नियम बनाना, है ना, कुछ भी कार्य। फिर 39 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार किया गया, मतलब किसके द्वारा यहाँ पर बात करी गई है, कहने का तात्पर्य है, ठीक, तो NCERT, ठीक, इसके द्वारा जो है NCF नेशनल करिकुलम फ्रेम 2005 तैयार किया गया। फिर है 1992 में गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था, जो 1992 में गठित की गई थी राष्ट्रीय सलाहकार समिति, ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल थे। फिर शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट किस समिति ने प्रस्तुत की थी, तो ये भी यशपाल समिति ने प्रस्तुत की थी रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ के। बिना बोझ मतलब किताब, मोटी मोटी किताबें ना होके, मतलब कम किताबें हों लेकिन जो पाठ्यक्रम हो वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। फिर पर्यवेक्षण का अर्थ है, पर्यवेक्षण मतलब उच्च और दृष्टि, सुपरविजन जिसे बोलते हैं ना, हिंदी के इंग्लिश वर्ड भी पूछा जा सकता है सुपरविजन। 43 है, पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षा का विकास है, यह कथन किसका है, वर्टन का यह कथन है। नेक्स्ट है,
पर्यवेक्षण वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षकों को अपना कार्य उत्तम ढंग से करने में सहायता करना है। यह किसका है? वायर्ड के अनुसार कहा गया है पर्यवेक्षण की परिभाषा। नेक्स्ट है 45। पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का नियोजित कार्यक्रम है। यह किसने दिया है परिभाषा? एडम्स और डिक्की ने दिया है। देखिए यहाँ पर टॉप 100 MCQ मतलब टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हम, ठीक। इनको बहुत ध्यान से समझिएगा और पिछले वीडियोस हैं जो इसी तरीके से कुछ बनाए, कुछ डिस्क्रिप्टिव भी हैं, तो उनको जिन्होंने नहीं देखा है वो रिपीट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास बुक होनी चाहिए ना, तो उससे भी पढ़ते रहिए, और क्योंकि आपका परसों तक पेपर है ना। नेक्स्ट है पर्यवेक्षक के गुण। पर्यवेक्षक के गुण क्या हैं? पर्याप्त बुद्धि होनी चाहिए जो पर्यवेक्षक होता है, प्रवीणता होनी चाहिए, सहनशीलता, सहयोग, कर्मण एवं उद्यमी, ठीक है, और निष्पक्ष होना चाहिए, संवेगात्मक स्थिरता उसमें होनी चाहिए, मानवीय मूल्य। फिलहाल ये जो मेन मेन है हमने लिखते हैं, और भी होते हैं गुण भाई, गुण तो कई सारे होने चाहिए ना, तो वो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के अब चार ऑप्शन अगर आपको मिलते हैं किसी के गुण के बारे में, चाहे वो प्रधान अध्यापक हो या अध्यापक हो, है ना, तो उसमें नहीं वाला आपका पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किसके शिक्षा संबंधी ज्ञान के ऊपर ही संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम की उन्नति एवं सफलता निर्भर करती है? तो किसके जो है शिक्षा संबंधी ज्ञान पर पूरी जो शैक्षिक प्रणाली है, शैक्षिक कार्यक्रम पूरा, वो किस पर निर्भर करता है? उसकी सफलता जो होती है प्रधानाचार्य पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है प्रवेश से संबंधित नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो प्रवेश से संबंधित जो नियम होते हैं, जो बालक का विद्यालय में प्रवेश कराया जाता है, तो कुछ रूल्स होते हैं, है ना, किस कंडीशन पर प्रवेश होना चाहिए, तो वो नियम की बात करें तो प्रधानाचार्य इनका निर्माण करता है। फिर प्रबंधन आधारभूत समन्वय तथा संचालन संक्रिया है जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित है रहते। ये किसका है? मैकफॉरलैंड का, ठीक है, ये परिभाषा दी गई है। फिर है प्रबंधन की विशेषताएं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रबंधन की विशेषताएं क्या हैं? वो स्वदेश प्रक्रिया है, होती है ना, और कार्य में सफलता के लिए होता है, सार्वभौमिकता, समन्वित, मतलब ये हेडिंग वाइज हैं, आपको डिस्क्रिप्टिव है तो उसमें हेडिंग जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है, उसके अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, और पढ़ रखा है तो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती ना। तो नेक्स्ट है 51, प्रबंधन के कार्य। तो यहाँ पर क्या कार्य हैं? एक कार्य नियोजन होता है, संगठन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, समन्वय करना, मूल्यांकन करना, ये सब क्या है? प्रबंधन के कार्य। नेक्स्ट शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत। तो न्यायपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत है ना, मतलब जो शैक्षिक प्रबंधन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसके क्या सिद्धांत हैं? निरंतर विकास का सिद्धांत होता है, उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं होती हैं, है ना, सहयोग का सिद्धांत है, संसाधनों के समुचित उपयोग का सिद्धांत, ठीक। तो जहाँ यहाँ पर कुछ हमने कुछ बिंदु लिखे हैं, सारे नहीं लिखे हैं, ठीक, तो उनको जो है एक नज़र जरूर देखिएगा हेडिंग वाइज, ठीक। नेक्स्ट है 53, स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई ग्रीक शब्द से हुई थी, जिसको स्कूल कहते हैं ना, ये ग्रीक शब्द है और इसकी उत्पत्ति हुई थी इस वर्ड से। मानवीय संसाधन प्रधानाचार्य, देखिए मानवीय संसाधन होते हैं भौतिक संसाधन, मानवीय से समझ में आ रहा होगा मानवीय, है ना, तो मानव से रिलेटेड रहेंगे जो प्रधानाचार्य है, अध्यापक है, कर्मचारी, अभिभावक, मतलब इन सब से रिलेटेड जो भी है मानव चीज़ों से संबंधित, वो मानवीय संसाधन होते हैं। फिर है प्रधानाचार्य के कार्य। तो प्रधानाचार्य जो एक विद्यालय में कार्य करता है उससे आप अवगत होंगे, है ना, तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग खुद पकड़ लेंगे। फिलहाल एक बार हेडिंग पढ़ लीजिए, प्रशासन संबंधी कार्य होता है, कार्यालय संबंधी कार्य, शिक्षा संबंधी कार्य, निरीक्षण संबंधी, समाज के प्रति कार्य भी होते हैं, खेल कूद के प्रति कर्तव्य नियोजन संबंधी कार्य भी होते हैं। नेक्स्ट है भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन कौन से हैं? अभी मानवीय संसाधनों की हमने बात करी थी, भौतिक संसाधन है स्कूल, फर्नीचर, है ना, भौतिक मतलब जो भौतिक से वर्ड से ही क्लियर हो रहा है ना, फर्नीचर, पुस्तकालय, खेल का मैदान, प्रयोगशाला, ये सब होते हैं भौतिक संसाधन। विद्यालय का हृदय किसे संज्ञा दी जाती है? विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? पुस्तकालय को कहा जाता है।
और इसी पुस्तकालय के, हमने देखिए क्वेश्चन ऐसे लिखा है, इसके लाभ क्या है, उद्देश्य। भाई पुस्तकालय के लाभ और उद्देश्य, इनको किस उद्देश्य से पुस्तकालय बनाया जाता है, इसके क्या क्या लाभ हैं, तो ये फिलहाल आप खुद पढ़ सकते हैं या खुद समझ सकते हैं। इसमें कोई मतलब ऐसा बात नहीं, इससे ये पेपर जो है आपकी समझ के स्तर का पेपर होगा। हाँ, परिभाषाएँ और ये चीज़ें थोड़ा सा रटनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें, बाकी आपकी समझ के ऊपर काफ़ी जो है पेपर ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। प्रबंधन के स्तर, तो प्रबंधन के स्तर कितने, तीन होते हैं, शीर्ष स्तर प्रबंधन, मध्यम स्तर प्रबंधन और निम्न स्तर, मतलब जो टॉप लेवल के लोग होते हैं इसमें मध्य है ना, और इसमें निम्न वाले। केंद्रीय शैक्षिक प्रबंधन, जो केंद्रीय शैक्षिक प्रबंधन है, और विकेंद्रित शैक्षिक प्रबंधन, ठीक, जो केंद्रित और विकेंद्रित। तो केंद्रित का मतलब इसमें सत्ता केवल एक ही, मतलब एक ही लेवल पर होती है, एक मतलब कहीं ना कहीं जैसे समझ लें हम, एक ही सत्ता क्या, एक ही हाथ में होना, तो यहाँ सत्ता की बात नहीं, यहाँ मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो वो होता है केंद्रित शैक्षिक प्रबंधन। विकेंद्रित कई भागों में बटा होता है, ठीक है, जिसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक। तो ज़्यादा एक्सप्लेन, अगर आपने वीडियो देख रखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। यहाँ पर प्रधानाचार्य के गुण हैं, क्या उसमें गुण होने चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए, उत्तम चरित्र होना चाहिए, कार्यशील नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, सहानुभूति की भावना आदि ये सब होने चाहिए। प्रधानाध्यापक के प्रबंधकीय उत्तरदायित्व क्या हैं, तो प्रबंधकीय उत्तरदायित्व क्या होंगे, भवन का प्रबंध करना, आपूर्ति प्रबंधन है ना, विद्यालय कार्यालय प्रबंधन, वित्त का प्रबंधन, जो पैसे वाला सब कुछ मामला होता है, समय सारणी, ये सब इसके कार्य होते हैं, पुस्तकालय की प्रबंधन करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, प्रबंधन आधारभूत समन्वय और संचालन प्रक्रिया है जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित रहते हैं, तो यह परिभाषा किसने दी है, लेवी ने यह परिभाषा दी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रशासन प्रबंध का अंग है, तो इसके विचारक हैं, ई एल ब्रेच इसके विचारक हैं। शिक्षा तथा प्रशिक्षण से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित व्यक्ति कौन नहीं है, तो ऐसे भाई शिक्षा से संबंधित व्यक्ति आपको पता ही चल जाएगा नाम पढ़ के, एक जो नहीं होगा जैसे मजदूर वगैरह दिया जा सकता है ना, या उससे कुछ रिलेटेड चीज़ें दी जा सकती हैं, वो नहीं होगा, ठीक। फिर है प्रबंध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रबंध का प्रयोग सबसे पहले उद्योग में प्रयोग हुआ था। विद्यालय क्रियाओं में नियोजन की प्रमुख भूमिका किसकी है, तो नियोजन की भूमिका किसकी होती है, प्रधान अध्यापक की होती है। सर्वोत्तम मूक अध्यापक की संज्ञा किससे दी जाती है, मूक अध्यापक, मूक मतलब जो बोल ना सके, ठीक, तो सबसे अच्छा मूक अध्यापक किसे माना जाता है, पुस्तकालय को माना जाता है। विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, इसे प्रधानाचार्य को कहा। देखिए मस्तिष्क और हृदय में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मस्तिष्क की बात करेंगे तो प्रधानाचार्य, और हृदय की बात करेंगे तो वो क्या होता है, पुस्तकालय होता है। नेक्स्ट है प्रबंधन का अर्थ, अनुमान लगाने, योजना बनाने, संगठन करने, निर्देशन करने, समन्वय करने तथा अन्य कार्यों का नियंत्रण करने से है, यह परिभाषा हेनरी फ्योल ने दी है, काफी फेमस है। नेक्स्ट है प्रबंधन शैली के प्रकार, तो प्रबंधन शैली के जो प्रकार हैं कितने, चार प्रकार हैं, अब इनके नाम नीचे हमने लिख दिए हैं, निरंकुश शैली, पैतृक शैली, लोकतंत्रात्मक शैली, अहस्तक्षेप शैली, है ना, चारों शैली के नाम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रबंधन शैली में वरिष्ठ अधीनस्थों की राय का स्वागत किया जाता है, तो मतलब जिसमें वरिष्ठ अधीनस्थ होते हैं उनकी राय का भी स्वागत किया जाता है, मतलब कई लोगों की उसमें अपनी राय दी जाती है, कई लोग देते हैं तो उनको स्वीकार कर लिया जाता है, तो ये कैसी शैली होती है, ये लोकतांत्रिक शैली होती है। किस प्रबंधन शैली में कर्मचारी अपने दम पर निर्णय लेते हैं और काम करते हैं, तो इसमें कर्मचारी जो अहस्तक्षेप, मतलब किसी के द्वारा रुकावट ना डालना, हस्तक्षेप ना करना, तो वो होती है अहस्तक्षेप शैली। नेक्स्ट है 76, किस शैली में कर्मचारी प्रबंधकों पर निर्भर नहीं है। देखिए वीडियो को बहुत पूरी ध्यान, मतलब पूरे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वीडियो पूरा देखिएगा, और पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे थोड़ा सा मतलब अंदर मनोबल बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको देने का मन करता है, ये चीज़ होता है। तो किस शैली में कर्मचारी प्रबंधकों पर निर्भर नहीं रहते,
हस्तक्षेप शैली में जो है कर्मचारी प्रबंधकों पर निर्भर नहीं रहते। नेक्स्ट है, प्रबंधन निरंतर और कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमने इसलिए रखा, आपसे सत्य असत्य के रूप में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। फिलहाल ये सत्य है यहाँ पर। नेक्स्ट है, शैक्षिक संस्थापक की कार्यात्मक इकाई क्या है? शैक्षिक का संस्थान की कार्यात्मक इकाई क्या है? कक्षा कक्ष। नेक्स्ट है, 79, कक्षा का नेता अध्यापक होता है, ठीक। कक्षा का अध्यापक स्कूल की बात करें तो प्रधान अध्यापक। नेक्स्ट है, अंतर्द्वंद के प्रकार तीन हैं, तीनों याद करिएगा। कार्य अंतर्द्वंद, संबंधात्मक अंतर्द्वंद, प्रक्रिया अंतर्द्वंद, है ना, तीनों यहाँ पर प्रकार। तो स्पीड अगर तेज हो तो बता दीजिएगा कि स्पीड तेज है, तो अगली बार मैं स्पीड स्लो करूँगा, और अगर धीमी है तो बता दीजिएगा, तो मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, है ना, मतलब बोलने की जो गति है मेरी ना, वो चीज़। नेक्स्ट है, एजुकेशन शब्द, अब ये किससे बना है? ई प्लस कैटम। ई मतलब अंदर से और कैटम मतलब आगे बढ़ना, तो ये है एजुकेटम का अर्थ। फिर शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कब किया गया? तो शिक्षा विभाग था उसको 1954 में शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित किया गया। 83 क्वेश्चन है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, विद्यालय के प्रबंधन में प्रयोग होने वाले संसाधन, तो विद्यालय के जो मैनेजमेंट होता है उसके प्रयोग, मतलब उसमें प्रयोग होने वाले संसाधन, एक हमने बताया था मानवीय होते हैं, भौतिक होते हैं, और दृश्य तथा अदृश्य ये संसाधन होते हैं। नेक्स्ट है, प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। प्रबंध क्या है? अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। किसने कहा है? सर चार्ल्स रेनॉल्ड ने कहा है। नेक्स्ट है, 87, शिक्षा केंद्रों की स्थापना शुरू हुई थी, कब हुई थी? जो शिक्षा के केंद्र थे बौद्ध काल से शुरू हुई थी, क्योंकि जो आपको पता होगा वैदिक काल में कोई शिक्षा के केंद्र नहीं थे, आश्रम वगैरह में शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है, भाषा का उद्देश्य है, भाषा का उद्देश्य क्या होता है? संप्रेषण करना होता है। नाड़ी संस्थान विद्यालय का कौन होता है? मतलब ये नाड़ी संस्थान किसे कहा जाता है? अध्यापक को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मध्य स्तर के प्रबंधकों की नियुक्ति किस स्तर के प्रबंधकों द्वारा की जाती है? तो तीन स्तर थे, है ना, उच्च, मध्य, शीर्ष मध्य और निम्न। तो यहाँ पर मध्य की नियुक्ति कौन करेगा? शीर्ष ही तो करेगा। नेक्स्ट है, शिक्षा विभाग के अधिकारी कितने स्तर पर कार्य करते हैं? 91 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग के अधिकारी कितने स्तर पर? तीन स्तर पर कार्य करते हैं, निदेशालय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और जिला स्तर। फिर भारत में दो प्रकार की नगर पालिकाएं, याद कर लीजिए, अधिकृत और अनाधिकृत नगर पालिकाएं होती हैं। फिर है 93, किसका सुझाव था कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए? तो यह किसका सुझाव था? कोठारी आयोग, 1964 में गठित हुआ था, और उसी का यह सुझाव था कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा परिषद की स्थापना करी जाए। फिर पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया, कब दिया गया? पर्यावरणीय शिक्षा जो दी जाती है, जो 1988 में इस पर बल दिया गया, NEP जो 1986 की नीति थी उसके आधार पर। फिर 95 नंबर, किस प्रकार के नेतृत्व में सत्ता एक ही हाथ में रहती है? तो एक ही हाथ में रहती मतलब राजतांत्रिक या निरंकुशवादी होगा, और एक से अधिक लोगों की बात करें तो वो लोकतंत्रात्मक। फिर है नवोदय विद्यालय समिति, इसका मुख्यालय या इसका पूछा जा सकता है ना, तो ये नई दिल्ली, ज़्यादातर नई दिल्ली में ही है। बाल भवन सोसाइटी, ये भी नई दिल्ली। फुल फॉर्म आपको दो याद रखने हैं यहाँ पर, NCERT और SCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना। फिर है यहाँ पर N की जगह S, यहाँ नेशनल होता है और S स्टेट में स्टेट हो जाता है ना, तो ये फर्क होता है दोनों में, बाकी सेम रहता है। फिर जिला स्तरीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में, जिसे डॉयट कहते हैं ना, इसके फुल फॉर्म देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, प्रबंधन आधारभूत समन्वय तथा संचालन संक्रिया है जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित रहते हैं, ये किसका है? मैकफॉरलैंड द्वारा दी गई परिभाषा है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मॉडल पेपर कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा, और जो क्वेश्चन शायद जल्दबाजी में हमने गलत बता दिया हो, कभी कभी ये होता है ना, माइंड में कुछ और होता है, मुँह से कुछ और निकल जाता है या लिख कुछ और जाता है ना, तो जैसे पिछले वीडियो में माध्यिका वाला क्वेश्चन ऐसे हो गया था ना, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। फिलहाल
और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो कमेंट में ज़रूर लिख दिया कीजिए उसके लिए, है ना। तो जैसा लगा हो फिलहाल वीडियो हमें बता दीजिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, और पेपर अच्छे से दीजिए आप लोग।